हस्बैंड जी अपना ड्रेस आयरन कर रहे हैं ड्यूटी जाने के लिए, क्योंकि हम नहीं करके देते हैं, है ना? ये कल हम लोग लेके आए थे, जो हम लोग गए थे घूमने ना, तो ये आयरन स्टैंड लेके आए थे। ये ऐसा है, ऐसा, ये इस टाइप का जैसे आपको दिख रहा है। ये हिंदवेयर कंपनी का ये, जो कि एक ट्रस्टेड कंपनी है, और यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है इसको रखने के लिए। बस ऐसे जस्ट लाइक यही है, सिर्फ इसमें प्रिंटेड ये शीट है और ये बिल्कुल प्लेन है। और इसका ये देखने से ही इसमें बहुत मजबूती लग रही है ऐसे, ये देखिए। इसका बेस भी जो नीचे है बहुत अच्छा दिया हुआ है, जिससे ग्रिप अच्छा से इसका रहता है। तो हस्बैंड जी को जब अपना कपड़ा आयरन करना पड़ता था तो दिक्कत होती थी, कमर में दर्द हो जाता था इसीलिए। तो ये है, और इसमें ना तीन साइज़ का आता है, जैसे देखिए यहाँ पे देख लिखा हुआ है ना, 42x13, 48x13, 52x13। तो ये बीच वाला है ये साइज़ का, और इससे बड़ा होता ना वो थोड़ा स्क्वायर शेप में रहता है, थोड़ा सा अजीब टाइप का, वो देखने को भी अच्छा नहीं लगता है। और उतना बड़ा करना भी क्या है आयरन, बस मेन तो मेन क्या है ना आयरन नहीं करने का कारण, नया कारण ये है कि पैंट जो है ना, पैंट मेरे से आयरन नहीं होता है, मतलब क्रीज उसका जो होता है ना वो मेरे से नहीं बनता है, तो पैंट तो मेरे से नहीं होता है। और यहाँ पे इसको माइंड मत कीजिएगा, ये रिंग लाइट है, क्योंकि इसमें डस्ट चला जाता है ना, इसलिए इसको ऐसे कवर करके रखा हुआ है ताकि इसमें गंदा। सुबह इनका कॉल आएगा हो सके तो सुबह, तो ये अभी अपना ड्रेस वगैरह आयरन करके रख ले रहे हैं। और अभी शाम का टाइम है, और अभी हम थोड़ी देर में चलते हैं। गणेश, जैसे कि मैंने आपको बताया था, गणेश की मूर्ति, मतलब गणेश जी की मूर्ति बैठती है हमारे कॉलोनी में ही, जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ पे। तो दो दिन से तो मैं नहीं जा पाई थी, कल तो वैक्सीनेशन भी लगा था इस वजह से भी नहीं जा पाई। और 10 तारीख को मेरा व्रत मैंने खोला था, तो उस दिन तो ऐसे ही बहुत वीकनेस लगता है, नहीं आदमी कहीं आ जा सकता है। तो आज चलते हैं, आपको दिखाते हैं गणेश जी की आरती, और वहाँ कीर्तन वगैरह होता है, वो सब आपको दिखाते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में। और ये पूरा, मतलब जब तक गणेश महोत्सव चलेगा तब तक आपको मिलेगा गणेश जी का, मतलब गणेश जी के वीडियोस, पूजा के, आरती के, ये सब। तो बने रहिएगा वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कहिए कैसे हैं आप लोग, आई होप सो आप लोग अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी को गणेश महोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। आज ये तीसरा दिन है, लेकिन मैं नहीं जा पाई थी दो दिन और पहले, जहाँ ये गणेश जी की मूर्ति स्थापित होती है। तो आपको तो पता ही है, 10 तारीख का मेरा व्रत मैंने खोला था, तो उस दिन बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है, तो उस दिन तो नहीं जाया गया। और 11 तारीख को मैंने वैक्सीनेशन करवाई थी, ये 12 तारीख का व्लॉग है। तो ये मैं कल गई थी और आज भी नहीं जा पाई, क्योंकि फिर वही बात हो जाती है ना कि हस्बैंड हैं तो उनको ड्यूटी आना जाना होता है, तो फिर नहीं जाया जाता है छोड़ के, फिर खाना पीने का टाइम हो जाता है। तो इस वजह से जब हस्बैंड जी नहीं रहते हैं तो फिर जा पाते, ज़्यादा दूर नहीं है, बस ये हमारे घर के पास ही है। और यहाँ पे आरती हो रही थी, तो स्पीकर पे आरती चल रही थी, तो मैं नहीं, मतलब मैंने वॉइस ओवर ही कर रही हूँ, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ बस आरती हो रही थी, सारे जितने लोग थे सारों ने आरती की, और उसके बाद थोड़ा बहुत कीर्तन वगैरह हुआ था। मैं जल्दी ही आ गई थी, क्योंकि इनको निकलना था रात में, इनका कॉल आने वाला था, तो मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, लेकिन जो भी शूट किया वो आप लोग देख लीजिए। आगे फिर मैं आपके साथ और भी कुछ शेयर करूँगी बाद में। Yeah.
तो ये था मेरा छोटा सा कीर्तन का व्लॉग, क्योंकि बहुत लोग आज के दिन नहीं आए हुए थे। हमारी जब मंडली जुटेगी ना, तो उस दिन का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कितना मस्ती धमाल होता है। और कीर्तन जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद भी बहुत डांस होता है स्पीकर लगा के पूरा फुल वॉल्यूम पे। तो आगे आपको और भी व्लॉग मिलेंगे गणेश महोत्सव के, तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा वीडियो में। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए, गणेश जी की दर्शन करा दिया मैंने आपको घर बैठे, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बने रहिए वीडियो में। मैं आपको आगे और भी अच्छे वीडियो दूँगी गणेश जी की। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, दुआ में।